गांजा चढ़ाया है। पहले ये बताइए कि है क्या, और यहाँ पे जो भव्य मेले का आयोजन होगा वो क्या? हम लोग जानेंगे कि ये न्यूज साढ़े 500 वर्ष इसका उम्र हो गया है। नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं बीट ऑफ बिहार न्यूज़ और मैं हूं सूरज कुमार। अभी हम मौजूद हैं लोग आस्था के देवता बाबा विश्वनाथ मंदिर में, लौवा लगम में जो स्थित है, और इस मंदिर में कब से मेले का आयोजन होगा इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेने आए हैं। और आज सोमवार है, सोमवार को बैरागन लगता है और ढेर सारे भक्त इस मंदिर में दुधाभिषेक करने आते हैं, और कहाँ कहाँ से भक्त यहाँ मंदिर में आते हैं दर्शन करने, विस्तार पूर्वक हम जानकारी लेना। मंदिर के चरवाहा संघ के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे भव्य मेले का आयोजन कब होगा, और यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो आगामी मेले का आयोजन होगा इस मंदिर प्रांगण में, वो मेले का आयोजन कब से होगा, और यहाँ बहुत सारे व्यक्ति मौजूद हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका बीट ऑफ बिहार न्यूज़। और यहाँ जो मेले का आयोजन होता है किस उपलक्ष्य में यहाँ मेले का? यहाँ तो बहुत युगों से बाबा विश्वनाथ स्थान है, उसी के उपलक्ष में होता है, उसको दूध चढ़ाया जाता है। और इस मंदिर का कितना पुराना इतिहास रहा है, कितना पुराना इतिहास है इस मंदिर? लगभग पुराने लोगों से मालूम है कि लगभग 550 वर्ष इसका उम्र हो गया है। 550 वर्ष से ये मंदिर स्थापित। और ये मंदिर का जो निर्माण हुआ है, ये नव निर्माण हुआ या पहले से यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ? पहले से निर्माण ये मंदिर नहीं था, छोटा मोटा खपरेल का मंदिर था, ये हम लोगों के समक्ष में ये मंदिर निर्माण हुआ है, पहले छोटा मोटा मंदिर था। और यहाँ जो भक्त आते हैं, जो जिनका मुरादे पूरे होते हैं, जिनका मुरादे पूरे होने के बाद इस मंदिर में वो कौन सा चढ़ावा चढ़ाने आते हैं, और इस मंदिर का विख्यात चढ़ावा क्या है, क्या सबसे ज़्यादा यहाँ इस मंदिर में चढ़ाई होता? यहाँ दूध चढ़ाया जाता है, दूध ही सबसे विख्यात है, और उसके साथ साथ गांजा चढ़ाया जाता है, और फूल पत्ती धूप दीप यही सब चढ़ाया जाता है। और बिहार में जैसे गांजा के पदार्थ जो होती है वो सब बंदित है, तो फिर यहाँ कैसे लोग आते होंगे लेकर के, और कहाँ से लोग ला करके यहाँ चढ़ावा चढ़ाते? ये भक्त लोग जाने कहाँ से लाते हैं, नहीं लाते हैं, यहाँ गांजा नहीं बिकता है, यहाँ प्रतिबंध लगता था, पहले बिकता था, अब प्रशासन के द्वारा बंद है, यहाँ बंद है। अब भक्त जन कहाँ से लाते हैं, कैसे चढ़ाते हैं, वो तो भक्त लोग जाने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और भी यहाँ व्यक्ति मौजूद हैं और उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका बीट ऑफ बिहार। अच्छा सर, कब से मेले का आयोजन होगा? ये जो है, पहले ये बताइए कि है क्या चीज़? ये न्यूज़ का है सर। और न्यूज़ बीट ऑफ बिहार न्यूज़। अच्छा, ये कैसे हम लोग जानेंगे कि ये न्यूज लेकर के गया, तो उसको हम देखेंगे? तो सर आप अपने मोबाइल पे डायरेक्ट देख सकते हैं इस न्यूज़, और न्यूज़ चैनल भी है, तो आप दोनों के माध्यम से देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ये, और यहाँ पे जो भव्य मेले का आयोजन होगा वो कब से हो? ये 14, 15, 16, 17, 18। और इस मेले के जो आयोजक हैं वो किनके द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है? ये कमेटी है, मेला कमेटी होता है, और यहाँ जो तो मेला कमेटी के बाद न मेला लगता है कहीं भी। और यहाँ जो आयोजित होता है, यहाँ राज्य सरकार के द्वारा घोषणा कर दी गई है राज्य स्तर मेला, तो प्रशासन के द्वारा लगाई जाती है जो यहाँ के चरवाहा संघ के? नहीं नहीं नहीं, ये जो है राजकीय मेला घोषित की हुआ घोषित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा, जैसे पहले चल रहा है, हम लोग कमेटी का लोग हैं, चरवाहा कल्याण संघ है, व्यवस्थापक है वही, लेकिन जब मेला लगता है तो कमेटी में बहुत सदस्य हैं। तो प्रशासन के तरफ से कोई सुविधा मुहैया कराई जाती है? हाँ, प्रशासन के तरफ से दो बार तो मुहैया ये हुआ कि ये बाबा विश्वनाथ जो है राजकीय मेला महोत्सव मनाया गया, समझ गए, उसमें वो 10,000 रुपया अपना के, एक भाई 10,000 रुपया आता है महोत्सव मनाने के लिए, जैसे सिंहेश्वर में आता है वहाँ 25,000 आता है, यहाँ 10,000 रुपया आया था। इतने बड़े मेले का आयोजन होता और प्रशासन के तरफ से जो मुहैया मेले के रूप में कराई जाती है मात्र में 10,000 रुपया कराई? नहीं, वह 10 लाख। 10 लाख? 10 लाख। और 10 लाख मेले के आयोजन के लिए सरकार के द्वारा आते हैं, और बाकी जो यहाँ के कमेटी है वो लोग अरेंज करते हैं? कमेटी के द्वारा होता है। और यहाँ जो भव्य मेले का आयोजन होता है, कितने कितने दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं? नेपाल, झारखंड, बिहार, यूपी, कहाँ की बात कीजिएगा, सब जगह से आता है।
लगभग कितने, आज बैरागन है, आज सोमवार है, यहाँ आज कितने भक्त यहाँ दूध अभिषेक करने चुके? तो अभिषेक करने के लिए तो आप पहले नहीं आए, बाद में आए, यहाँ तो बहुत आता है ना, कम से कम 10,000 आता है यहाँ। चलिए, जैसे यहाँ की जानकारी मिली है कि बहुत सारे भक्त दूर दूर से आते हैं यहाँ दर्शन करने, और देखना लाजमी होगा कि यहाँ जो मेले का भव्य आयोजन होता है, लगभग 10,00,000 लोग आते हैं इस मेले में देखने, बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। और वो मेला कब से आयोजन होगा, आप तारीख बता दीजिए जो दूर जो बोले कब से? 14 अप्रैल और 14, 15, 16 अप्रैल, 3 दिवसीय मेले का आयोजन, 5 दिवसीय मेले का आयोजन हो रहा है। और जो दूर दराज के भक्त हैं, अगर इस मंदिर के बारे में आप जानना चाहते हैं, विस्तार पूर्वक जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप दूर से आते हैं दूध चढ़ाने, तो इस मंदिर में आइए और भव्य मेले का आयोजन होने जा रहा है। और बने रहिए आप बीट ऑफ बिहार न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।